सो गाइस कि आप भी आप अपने मोबाइल फोन से किसी को मैसेज करते हैं तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होता है, मैसेज सेंड नहीं होता। आप किसी को मैसेज करते हो तो आपका मैसेज सेंड नहीं होता, जो कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको लिखा जाता होगा नॉट सेंड टैप टू ट्राई अगेन, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको लिखा जाता होगा, आपका मैसेज दूसरे के पास नहीं जाता होगा। तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ ही मिनट में आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से यहाँ पर आपको मैसेज वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इससे पहले मैं आपको मैसेज करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैसेज वाला हम ओपन कर दिए और यहाँ पर मैं आपको मैसेज करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी मैसेज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम हेलो मैसेज किए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैसेज नहीं गया, नॉट सेंड टैप टू ट्राई अगेन लिखा गया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह आपके साथ भी होता हो। किस तरह से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको होम बटन पर क्लिक करना है, होम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना आपका मोबाइल फोन का सेटिंग में, जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं सेटिंग में आ गए। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा हो सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं। फिर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा पे क्लिक करना है। सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस भी सिम से आप लोग मैसेज करना चाहते हैं, यहाँ पर मेरे तरफ से दो नंबर है, थोड़ा नंबर यहाँ पर ब्लर कर दिए हम, तो आपको किसी पे क्लिक करना जिससे आप लोग मैसेज करना चाहते हैं। चलिए हम सिम टू से करते हैं, तो यहाँ पर देखते हम सिम टू पे क्लिक कर दिए। सिम टू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं कोई भी सिम पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसी तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर अभी इनेबल दिख रहा हो, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार आपको इस डिसेबल कर देना, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बार हम डिसेबल कर दिए। डिसेबल करने के बाद फिर से आपको इसको इनेबल करना, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर से इसको हम इनेबल कर दिए। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट करना, थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। लोडिंग खत्म होने के बाद अब आपको यहाँ पर करना है कि बैक बटन पर क्लिक करना है। बैक बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको रिफ्रेश कर देना इस तरह, जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं हम रिफ्रेश कर दिए। रिफ्रेश करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना है क्या कि यहाँ पर आपको मैसेज वाला आइकन पर लॉन्ग प्रेस करके रखना, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैसेज वाला आइकन पे हम लॉन्ग प्रेस करके रखे हैं। लॉन्ग प्रेस करके रखने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा हो ऐप इन्फो, फिर आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा हो स्टोरेज यूसेज, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्लियर डेटा, फिर आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करना, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियर डेटा पे क्लिक कर दें। क्लियर डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करने का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैक बटन पे क्लिक करना है। बैक बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है फोर्स स्टॉप, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेड कलर में दिख रहा है फोर्स स्टॉप, फिर से आपको फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या कि इसको रिफ्रेश कर देना कुछ इस तरह, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिफ्रेश कर दिए। रिफ्रेश करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या कि यहाँ पर आपको मैसेज वाला बॉक्स को ओपन कर देना, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैसेज वाला बॉक्स को हम ओपन कर दिए। और यहाँ पर मैं आपको मैसेज करके अभी दिखा दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैसेज वालों पे क्लिक कर दिए। और यहाँ पर अभी हम किसी को मैसेज करके आपको दिखा दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेलो मैसेज कर दिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैसेज सेंड हो गया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस तो इसी तरह से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक मैसेज और मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर से एक मैसेज कर दिए और मैसेज जा रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। सो गाइस आई होप कि आपको समझ आ गया किस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो, उसके रिलेटेड वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।